ओम शांति। 8 सितंबर की शुरुआत में सबका स्वागत है। परमात्मा कहते हैं, ईश्वरीय संग में रहे, उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भवा। परमात्मा के साथ रहना, परमात्मा की मुरली सुनना, परमात्मा के महावाक्य सुनना, अपने मन बुद्धि को ठिकाना लगाना और मुरली को सुन करके राइट दिशा देना हर दिन सुन करके उनको, बिकॉज हम कहते हैं ना कि अंधकार चारों तरफ फैला कलयुग है, तो कभी भी नेगेटिविटी आ सकती है, इसलिए मुरली सुनना जरूरी है। तो परमात्मा का संग, ईश्वर का संग, ध्यान में परमात्मा के साथ में, मेडिटेशन में, और साथ ही साथ उनके गुणों को और जो अन्य आत्माएं हैं जिनको याद करती हैं, उनके ज्ञान को सुनती हैं, उनके संग रहना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उल्टे संग के से हम बचे रहें और उल्टे विचारों से भी बचे रहें। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुणा शक्तिशाली है। आप चारों तरफ से घिरे हुए हों नेगेटिव लोगों से, इम्प्योर लोगों से, लेकिन आप परमात्मा से जुड़े हैं तो उनका असर आपके ऊपर नहीं पड़ सकता। ईश्वरीय संग के आगे वह संग कुछ भी नहीं है, सब कमज़ोर हैं। लेकिन जब खुद कमज़ोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। जब हम खुद नेगेटिव होते हैं, हम ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, आलस्य, अलबेलापन से कोई भी अवगुण को हमें इस्तेमाल करना शुरू करते हैं कुछ समय तक, तो माया का वार और ज़्यादा होता है और उल्टा संग हो जाता है। जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी हैं, वह और किसी संग के रंग से में प्रभावित नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें एक बार परमात्मा के प्रेम को, सुख को, आनंद को, गुणों को, शक्तियों को चख लिया ध्यान में बैठ के, परमात्मा की याद में बैठ के, तो फिर उन्हें और कोई भी संग अट्रैक्ट नहीं कर सकता, आकर्षित नहीं कर सकता। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग, अर्थात कुसंग, बुरा संगत या बुरे दोस्त, बुरे व्यक्ति के साथ में रहना उन्हें आकर्षित कर नहीं सकता। ओम शांति।